बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर वार्ड सचिवों ने अपनी सरकार की ओर से नियुक्ति रद्द किए जाने को लेकर जमकर बवाल काटा। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को अपनी मांगों को लेकर वार्ड सचिव बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। मामले की जानकारी होते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वार्ड सचिवों को समझाकर वहां से हटाने का प्रयास किया, लेकिन उनके नहीं मानने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। इस दौरान वार्ड सचिवों ने भी जमकर पत्थर बरसाए। स्थिति नियंत्रण से बाहर निकलते देख पुलिस की टीम वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान पूरे वीरचंद पटेल मार्ग पर अफरातफरी की स्थिति बन गई थी। बीजेपी कार्यालय के बाहर रण क्षेत्र जैसा नजारा देखने को मिली। बताया जाता है कि वार्ड सचिव पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल के पास अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांग पर कोई विचार नहीं होने के बाद आज वार्ड सचिव उग्र हो गए और एक साथ मिलकर बीजेपी कार्यालय के बाहर जुट गए। इस दौरान बीजेपी कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया, तभी वार्ड सचिव और नाराज हो गए और जमकर गेट के बाहर हंगामा करने लगे। आनंद फानंद में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की, लेकिन वार्ड सचिव मानने को तैयार नहीं हुए। नहीं आता।